हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं ये स्वादिष्ट बर्फ़ी। आप इसे बर्फ़ी कहें या कलाकंद, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये आपकी फैमिली को और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो बार बार इसे बनाने का मन करेगा और बनाना इसे बहुत ही आसान है। आज हमने इसे बनाने के लिए ना ही मावे का यूज़ किया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ का जो इजीली मिल ना पाए। घर में मिलने वाली चीज़ों से ये इजीली तैयार हो सकती है और बनने में बहुत ही इंस्टेंटली तैयार हो जाती है, बहुत कम टाइम लेती है। इसे बनाने के लिए लेना है हमें यहाँ पर पनीर। पनीर मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिया है। पनीर लेने के बाद में हमें इसे ग्रेट करना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है बनने में, केवल 15 मिनट में अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी इंस्टेंटली ये तैयार हो जाती है। ये देखिए, पनीर हमारा यहाँ पर ग्रेट हो चुका है। ग्रेट होने के बाद में अब हमें लेना है यहाँ पर एक पैन। मैंने मेज़रमेंट के लिए एक कप लिया है। हमारा पनीर यहाँ पर 200 ग्राम है, पूरा एक कप, और इसी के मेज़रमेंट से हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी मैंने यहाँ पर एक कप लिया है। दोनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप दूध। एक चम्मच यहाँ पर देसी घी ऐड करेंगे, इसकी जगह आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। हाई टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे पकने में 7 से 8 मिनट का टाइम हमें यहाँ पर लगता है और इसे हमें कंटिन्यू स्टिर करते रहना है ताकि ये कहीं भी लगे ना, चिपके ना। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती है और अपनी ये जो पैन है वो नहीं छोड़ने लगती है। जब ये पैन छोड़ने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है और अच्छे से पक चुकी है। तो ये देखिए, हमें इसे लगातार इसी तरीके से स्टिर करते रहना है। और इसके बाद में जब ये देखिए, अब इसका थोड़ा सा हमें और पकाना है। इसके बाद में 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल इसने कढ़ाई छोड़ दी है और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे। मैंने 4 चम्मच यहाँ पर चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद में हमें 2 से 3 मिनट इसे और पकाना है क्योंकि चीनी पानी रिलीज़ करती है, तो हमें इसे अच्छे से और पकाना है। पर हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी सी इसे मॉइस्ट रखना है। अगर बहुत ज़्यादा ये पक जाएगी तो ये जो बर्फ़ी है तो ये बिखरने लगेगी। बस यहाँ पर ही हमें अपना फ्लेम बंद कर देना है। ये हमारी अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। 8 से 10 ड्रॉप हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो आपको जो भी फ्लेवर है इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पर लिया है मोल्ड और इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और ग्रीस करने के बाद में बटर पेपर यहाँ पर हमने यूज़ किया है और सारी चीज़ें हमें इसमें डाल देनी है इस तरीके से। और डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से सेट कर देना है। ये हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब आप चाहें तो 15 से 20 मिनट इसे रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए छोड़ दें और चाहें तो 5 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। मैंने इसे सेट कर लिया है फ्रिज में, मैंने 5 मिनट के लिए इसे रख दिया था। और अब हम क्या करते हैं, इसके जो साइड की होती है उसको नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से छुटा लेते हैं। ये देखिए, हमने छुटा लिया है। और इसके बाद में एक प्लेट लेंगे और उस पर इस तरीके से पलट लेंगे।
हमने यहाँ पर इसे थोड़ा सा टैप करना है। वाओ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट निकली है हमारी ये बर्फी। बर्फी कहें या कलाकंद, जो भी आपका मन चाहे आप बोल सकते हैं, बट खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। और अब हम करेंगे इसे गार्निश। मैंने इसे पिस्ते से गार्निश किया है। इस तरीके से आप मन चाहे गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए, ये बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब मन चाहे शेप में आप इसे कट भी कर सकते हैं। लगाना बहुत ही कम टाइम लगता है और कितनी अच्छी स्वीट बनकर तैयार हो गई है हमारी। जब भी आपका मन करता है, फेस्टिवल हो या आप ऐसे ही बनाकर खाना चाहते हैं, घर में गेस्ट आई है, तो फिर आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी ऐसी ही रेसिपीज आपके सामने लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।